हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव बिहार से। मैं अभी ताशकंद सिटी में हूँ, जो कि उज़्बेक में पढ़ता है। और हमारे साथ नए बच्चे आए हैं इंडिया से, जो कि TMA यूनिवर्सिटी में है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी में है। चलिए उनसे कुछ बातें किया जाए। आपका नाम क्या है? समाल मुखर्जी। आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ भैया। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, ये बताइए आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है? भैया बहुत बढ़िया जर्नी रही, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही है। ओके, आप यहाँ कितने दिन पहले आए हो? 3 दिन पहले, मेरा तीसरा दिन है इधर। अच्छा, यहाँ पर आके आप बिल्कुल कंफर्ट हो? एकदम भैया, बिल्कुल कंफर्टेबल है। ओके, जो वादा आपसे इंडिया में किया गया था, आपके ट्रांसफर को लेके, आपकी इस यूनिवर्सिटी को लेके, वो पूरा किया गया है कि नहीं? एकदम एकदम पूरा पूरा किया गया भैया। कहीं भी आपको ऐसा कुछ लगता हो, जो प्रॉब्लम हो, जिससे आपको कुछ इश्यू आई हो? एकदम भैया, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। मतलब पूरा कंफर्टेबली हम आए हैं, मेरा जर्नी भी कंफर्टेबल रहा। उसके बाद आपने पिकअप करने आया और कंफर्टेबली हमको इधर लेके आया, यहाँ हम स्टे कर रहे हैं अभी। और ये मेरा तीसरा दिन है, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहा मेरा अभी तक का। ओके, अच्छा ये बताइए, आप इंडिया से आ गए यहाँ पर, किस कंपनी के थ्रू आए हो, कैसे आए? हम ड्रीम्स फ्लाई ओवरसीज एजुकेशन, जो कि एसोसिएटेड है बॉब ट्रेड से, हरदीप भैया के और आपके थ्रू आए भैया। ओके, अच्छा यहाँ पर आके आपको यहाँ के लोकल पीपल्स का जो नेचर है, जो कल्चर है, आपको कैसा लगा? ये बढ़िया नेचर है भैया इन लोगों का, मतलब ये बहुत एक्सेप्टिंग नेचर के है यहाँ के, और कल्चर भी बहुत बढ़िया है भैया। ओके, जी ये बताइए, जो नए बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, जो कि फ्रेशर बच्चे हों या ट्रांसफर बच्चे हों, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि जगह बहुत बढ़िया है, वेदर कंफर्टेबल है, और पढ़ाई मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, होप कि पढ़ाई भी बढ़िया होगा। और भैया के थ्रू, हरदीप भैया के और गुलशन भैया के थ्रू अगर कोई आए तो उनका जर्नी भी कंफर्टेबल मतलब होगा, और मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे काफी दिनों से जानते हो। हाँ भैया। और अच्छा ये बताइएगा, ऐसा कभी लगा है कि बॉप्टेड एंड ड्रिल्स फ्लाई ने आपका कभी कहीं साथ छोड़ा हो, या कोई इशू आया तो साथ नहीं दिया? नहीं भैया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए, आप अचानक एक यूक्रेन से आप इंडिया गए, इंडिया से आप ताशकंद आए, तो आपको सारा कुछ मिला है, क्या लगता है कि आपके मतलब जो बहुत सारे बच्चे जो इंडिया में थे, जो यूक्रेन से वापस इंडिया चले गए थे, उनको लग रहा था कि उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, उनके पैसे बर्बाद हो गए, पर क्या ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है? नहीं भैया, पहले ऐसा सिचुएशन था कि मैं सोचा था अब मतलब क्या होगा क्या नहीं, तो फ्यूचर थोड़ा मतलब डार्क दिख रहा था। लेकिन फिर ये अंधेरे में कैंडल के जैसा ये ऑप्शन मेरे पास आया कि उज़्बेकिस्तान ट्रांसफर लेने का, और फिर मतलब मैंने लिया, और मतलब अभी अच्छा लग रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया। ओके, ये तो आपके कंफर्ट जोन की बात हो गई। आपके पेरेंट्स जो आपको भेजे हैं यहाँ स्टडी करने के लिए, अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपके पहुंचने के बाद आपने रिव्यू दिया होगा, उन्हें कैसा लग रहा है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था भैया, जब हम इंडिया में भी थे तो बहुत सारे ऑफर्स तो बहुत सारे कंट्री में आ रहा था, लेकिन उनका यही था कि तुम हरदीप भैया के थ्रू पहले भी गए हो, ऑपरेटर के थ्रू गए हो, तो अगर कहीं भी जाओगे तो उनके थ्रू ही जाओगे। तो ये विश्वास उनका पहले से हरदीप भैया के ऊपर बना हुआ था, तो इसीलिए जब ही मतलब पापा सुने कि हरदीप भैया ट्रांसफर इधर करवा रहे, पापा तुरंत हाँ कह दिए। उसके बाद पापा को जब कहे तो पापा भी बहुत खुश है कि बेटा अच्छे जगह में गया है, मतलब उसको कोई उधर दिक्कत नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया मतलब। ओके, मतलब आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि आपको चाहे TMA हो, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे कहीं भी एडमिशन लेना हो, तो आप ड्रीम्स फ्लाई बॉपटेड के थ्रू ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली भैया, हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि कोई मतलब किसी को कहीं भी मतलब एडमिशन लेना हो, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, तो उनको ड्रीम्स फ्लाई एंड बॉपटेड ही चूज करना चाहिए। ओके ओके, अच्छा कुछ पॉइंट आप बोलना चाहोगे आपके न्यू कमर्स, आपके छोटे भाई के लिए जो आना चाहते हैं यहाँ पर? जो आना चाहते हैं तो मतलब उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि ड्रीम्स फ्लाई या बॉपटेड को चूज करें, क्योंकि उनका पूरा जो सफर होगा वो कंफर्टेबली कंप्लीट होगा, और अगर उनका कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो भैया उनके साथ खड़े होंगे। भैया साथ नहीं छोड़ते कभी। आपके आए हुए यहाँ पर 2 से 3 दिन हो गया, राइट? जी भैया। आपका ग्रुप वगैरह सब बन गया? हाँ भैया। शेड्यूल कल से क्लास शुरू है शायद आपकी? हाँ भैया। तो इतना फास्ट काम आपने कहीं देखा? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, 3 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट, और मतलब आज तो मतलब वीकेंड है, नहीं तो शायद क्लासेस और भी आगे स्टार्ट हो जाता। अच्छा ये बताइए, आप आए, आपको इंडियन फूड प्रोवाइड किया गया, खाने का टेस्ट वगैरह कैसा है? खाने का टेस्ट भी भैया ठीक है, मतलब इंडियन फूड का यहाँ पे मतलब टेस्ट भी एक मतलब ठीक है। आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए अच्छी बात है। ठीक है सोमयार, फिर आपसे बात करते हैं बहुत जल्द।